पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में स्थित बांग्लादेश की सीमा से सटे संदेश खाली क्षेत्र का नाम 5 जनवरी से पहले शायद ही किसी ने सुना हो। अब संदेश खाली का नाम हर अखबार के पन्ने पर छाया हुआ है। आखिर संदेश खाली में क्या है विवाद, क्यों यहाँ के लोग ममता बनर्जी से नाराज हैं, आइए जानते हैं। बड़ी संख्या में संदेश खाली की महिलाएं पिछले कुछ दिनों से ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही। इस बीच प्रदर्शनकारी महिलाओं और पुलिस के बीच झड़प की भी खबर आई। महिलाओं का आरोप है ममता की पार्टी टीएमसी के नेता शेख शाहजहां ने उनका यौन उत्पीड़न किया और फिर जबरन जमीनों पर कब्जा किया। महिलाओं की मांग है टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके गुर्गों को गिरफ्तार करें। वहीं महिलाओं ने पुलिस पर आरोपियों से साठगांठ करने का आरोप भी लगाया। पीड़ित महिलाओं के समर्थन में बीजेपी नेता भी सड़क पर उतर आए हैं। संदेश खाली का मुद्दा पर राजनीति रंग रूप ले चुकी है। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने टीएमसी सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा में फेल होने का आरोप लगाया। टीएमसी ने बीजेपी पर राजनीतिक फायदे के लिए विवाद को भड़काने का आरोप लगाया। अब पहले जानिए कैसे शुरू हुआ संदेश खाली में विवाद। बीते 5 जनवरी 2024 की बात है, जब प्रवर्तन निदेशालय की टीम रोशन घोटाला मामले में जांच करने टीएमसी नेता शाहजहां शेख के संदेश खाली वाले आवास पर छापेमारी करने पहुंची थी। वहां ईडी की टीम पर हमला किया गया, उन्हें वापस जाने के लिए मजबूर किया गया। हमले में कुछ अधिकारियों को चोटें आईं। वहीं ईडी की टीम पर पत्थरबाजी का आरोप तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख के समर्थकों पर लगा। उस दिन के बाद से शाहजहां शेख फरार हैं, किसी को भी नहीं पता वो कहां हैं। ईडी की ओर से समन भेजने के बावजूद पेश नहीं हुए। इस घटना के एक महीने बाद फिर 8 फरवरी से संदेश खाली की स्थानीय महिलाओं ने शाहजहां शेख और उनके समर्थकों के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। तब से लगातार हर दिन प्रदर्शन हो रहा है। वहीं विवाद बढ़ने के बाद 12 फरवरी को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने संदेश खाली का दौरा किया और यहां की महिलाओं से मुलाकात के बाद राज्यपाल ने मीडिया से कहा, उन्होंने संदेश खाली की माताओं और बहनों से बात सुनी है। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि रविंद्रनाथ टैगोर की धरती पर ऐसा भी हो सकता है। वहीं 15 फरवरी को संदेश खाली का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। एडवोकेट अलक आलोक श्रीवास्तव ने याचिका दायर कर अदालत से मांग की है मामले की जांच और मुकदमा राज्य के बाहर ट्रांसफर किया जाए। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई या एसआईटी जांच की मांग की। मणिपुर की तरह 3 जजों की कमेटी बनाने की गुजारिश की और इसके अलावा पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने और मामले में लापरवाही करने दोषी पुलिसकर्मियों पर भी एक्शन लिया जाए।